अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। काशी के लखा मेला को देशी विदेशी पर्यटक दुनिया भर से देखने आते हैं। ऐसे में काशी के इन मेलों को BHU अपने MA कोर्स के शोध पेपर में शामिल कर रहा है। काशी एक ऐसी नगरी है जहाँ की धर्म, संस्कृति और अध्यात्म विश्व प्रसिद्ध है, जिसे हर कोई देखना और समझना चाहता है। काशी ने कई ऐसे लखटकिया मेले लगते हैं जो अनोखे हैं, जैसे लोटा भंटा मेला, नागनथैया, देव दीपावली, सुरैया, इन सब के धार्मिक और पौराणिक महत्व हैं, लेकिन इनकी विशेषता जग जाहिर है। अब इसी विशेषता पर शोध कर सकते हैं, वो भी MA के डिग्री के साथ, जिसकी शुरुआत इस जुलाई से होने जा रही है। इसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान के तहत शुरू किया जा रहा है, जिसे काशी अध्ययन केंद्र के जरिए छात्र छात्राओं तक पहुंचाया जाएगा। विश्वविद्यालय में शुरू होने जा रहे इस अनोखे कोर्स को लेकर छात्र भी काफ़ी उत्साहित हैं। काशी की धर्म और मेलाओं पर पहली बार शुरू हो रहे ऐसे कोर्स का छात्र स्वागत कर रहे हैं। खास मदद उन विदेशी छात्रों को पहुंचने वाला है जो अपने देश से आकर यहाँ के अनोखे मेलों को समझने के लिए किताबों के तलाश में हैं, लेकिन अब उन्हें BHU के काशी अध्ययन केंद्र के जरिए मुनासिब हो पाएगा। काशी विश्व की सबसे प्राचीन नगरी कही जाती है, तो लाजमी है कि यहाँ के मेले और त्यौहार भी पौराणिक हैं। ऐसे में देश और विदेशों में धर्मों और त्यौहारों पर शोध करने वाले छात्रों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, जिसे साकार किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने। देखिए, काशी विश्व की नगरी है। मैं काशी को पूरा विश्व मानता हूँ, भारत ही नहीं विश्व मानता हूँ। और इधर 10 सालों के अंतर्गत काशी का जिस ढंग से विकास हुआ है और काशी में वैश्विक पर्यटक और देशी पर्यटकों की जो भीड़ बढ़ी है, उससे यह आवश्यकता जरूर महसूस की गई कि काशी के समझने वाले लोगों की एक फौज बनाई जाए, एक टीम बनाई जाए। तो कैसे बनेगी फौज और टीम जब तक काशी के विभिन्न आयामों का अध्ययन नहीं किया जाएगा? और काशी स्टडी की बात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं होगी तो विश्व के किस विश्वविद्यालय में होगी? इस आधार को लेकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग ने काशी स्टडी एक कोर्स बनाया है जो स्नातकोत्तर स्तर पर उसकी पढ़ाई होगी। उसके जो एक्सपर्ट कमेटी है उस कोर्स को पास कर चुकी है। उस काशी अध्ययन में हम काशी के सर्वांगीण पक्षों का अध्ययन करेंगे। उसमें मेले हैं, उसमें त्यौहार हैं, उसमें गंगा है, उसमें घाट है, उसमें काशी का इतिहास है, उसमें काशी की सांस्कृतिक परंपरा है, उसमें काशी के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़े लोग हैं, उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय के जो उनका योगदान है, उसको इस सारे पूरे संपूर्ण काशी को, लीला, त्यौहार, मेला, 7 बार 13 त्यौहार यहाँ बाता मानी जाती है, यहाँ लखा मेला माने जाते हैं। आप देव दीपावली की स्थिति देख रहे हैं, कितनी उसको देखने के लिए दुनिया के लोग आ रहे हैं। इन सारे तत्वों के सांस्कृतिक अध्ययन के साथ साथ इतिहास, राजनीति, संगीत और आहार व्यवहार और काशी के फक्कड़पन को, उसका काव्य परंपरा, उसकी साहित्यिक परंपरा, उसकी पांडित्य परंपरा, उसकी संस्कृत की परंपरा, सारी परंपराओं को का अध्ययन का एक कोर्स बना है। वो कोर्स अब लगभग अंतिम स्थिति में है। हमको लगता है कि जुलाई के जब ये एडमिशन होंगे तो उसमें काशी स्टडी में एडमिशन होने लगेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि काशी स्टडी का जब से मीडिया में प्रचार हुआ है, 85 वर्ष के अमेरिकी वृद्ध जो काशी के ही थे, रवीश जी, उन्होंने मुझे व्यक्तिगत फ़ोन करके कहा कि अगर काशी स्टडी का अध्ययन का क्रम हिंदू विश्वविद्यालय में शुरू होगा तो मैं उसमें अध्ययन करना चाहूँगा, मैं काशी को जीना चाहता हूँ, काशी को समझना चाहता हूँ, काशी में ही अपने को समर्पित करना चाहता हूँ। जब 85 वर्ष का वृद्ध काशी को पढ़ने का उत्साह दिखा रहा है, वो भी अमेरिका में रहने वाला, तो मुझे विश्वास है कि काशी स्टडी सबसे लोकप्रिय सब्जेक्ट काशी हिंदू विश्वविद्यालय का होगा। और इसमें एक जो नौजवानों की प्रशिक्षित टीम निकलेगी, वो आने वाले जो पर्यटक, जो आने वाले दिनों में काशी पर्यटन का हब बनने जा रहा है, उसमें वो लोग अच्छी तरह से पर्यटकों को समझा सकेंगे कि काशी को कैसे जिया जाता है। सिर्फ किताबों में रह करके काशी को नहीं पढ़ा जा सकता, काशी को जीना पड़ता है,
काशी को सोचना पड़ता है, काशी में डूबना पड़ता है। बिना काशी में डूबे, बिना काशी में को जिए, आप काशी को नहीं समझ सकते। तो ये कैसे लोग करेंगे जब तक उनको प्रशिक्षण नहीं मिलेगा। तो एमए के जो ये कोर्स है इतिहास विभाग का, सामाजिक विज्ञान संकाय का, इस आधार पर इस कोर्स का निर्माण किया गया है और वो अंतिम स्टेज में है। फिलहाल इन शोधकर्ताओं के द्वारा काशी के संस्कृति और सभ्यता को और भी बढ़ावा मिलेगा। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस।